ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਈ ਯਾਰ ਹਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇਵੀ ਪਾਂ एक्चुअली काफी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि कॉलेज का कुछ शूट करें तो एक्चुअली अभी हमारा पीएसएम का टेस्ट था एक टेस्ट ऑनलाइन था अब बाकी तो आप लोग समझदार हुई तो अभी मेरे साथ एक्चुअली अर्नव है और बस एक थोड़ा सा ज़्यादा कि कैंपस टूर बना दें तो या टुडे इज 26th नवंबर तो एक्चुअली एग्जाम्स कल भी हमारा टेस्ट था एक एस्ट्रोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी स्पॉटिंग टेस्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ बट इट वाज लाइक जैसा हुआ ठीक है और बैचमेट था फुटेज दे दे व्लॉग में अपने कॉलेज का ग्लैमर है फ्री में क्यों दिखाएं आके देखो जिसको देखना है ऑल्सो अभी यहाँ पीछे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये बन रहा है ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट है ना और शायद पीडियाट्रिक ओके शायद तो होपफुली ये बिल्डिंग काफी अच्छी निकल के आएगी अराउंड आई थिंक इसमें एक साल लग जाएगा और बट हाँ आराम से एक्चुअली पहले कॉलेज का ग्राउंड था ये बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और हम लोगों ने अपना ग्राउंड खो दिया है ऑल्सो वन मोर थिंग 20th नवंबर को 11 बजे अन अकेडमी इज कंडक्टिंग अ कॉन्टेस्ट अगेन कुछ दिन पहले भी कॉन्टेस्ट हुआ था इसमें काफी सारे लोगों ने किया था पार्टिसिपेट एंड दिस टाइम इट इज नीट यूजी कॉम्बैक्ट टॉप स्कोरर्स को इस बार भी लाइक स्कॉलरशिप मिल रही हैं प्राइजेस मिल रहे हैं सो या यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड बाय द वे ये जो कॉन्टेस्ट है ये पूरा ऑनलाइन होगा एंड 30th नवंबर से जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं सो अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन करना है परचेस तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है क्योंकि 10% ऑफ मिल जाएगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ जाएंगे ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट अन अकेडमी इज कि जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन चूज करते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लाइक फ्रॉम 6 months 12 months 18 months 24 months तो लाइक ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाइक एक साल का ही कोर्स खरीदना है या 2 साल का ही कोर्स खरीदना है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो जो भी आपको सही लगे एंड यू नो यू कैन गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू योर नीट प्रिपरेशन बाय लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अकेडमी अभी एक्चुअली नीट हुआ है तो इसलिए आई थिंक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है एंड अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक इट रियली हेल्प यू लॉट एंड या बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी एंड कूपन कोड अभी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होगा तो जस्ट यूज इट एंड आप लोग को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड लेट्स नाउ कंटिन्यू द ब्लॉग तो वहाँ खड़े सामने थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस हो रही है यार सीनियर्स खड़े सामने क्या किया जाए मित्र मित्र विश तो हम कर देंगे बट तो क्या दिखाना है अंदर जाना है ना अंदर चल अंदर तो और रिस्क है भाई अरे अंदर ऐसे नॉर्मली नहीं बैठे होते ऐसे पीछे तो चले यहाँ से घूम के उधर चलो चल ही लेते हैं कहीं देखा अच्छा अच्छा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर सिनेमैटिक क्या टॉपिक है तेरे व्लॉग का एक्चुअली हमारे कॉलेज का हमने शूट नहीं किया था तो इन डिटेल लाइक कट ऑफ फीस फीस फैसिलिटीज वो सब थोड़ा सा तो बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है ना हाँ ऑब्वियसली इसमें कोई शक की बात नहीं है बिल्कुल मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है बेस्ट कॉलेज एट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज दिन बन गया इसका अब इसमें व्यूज नहीं दिया है तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है एक्चुअली कमाल सर से मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो वो कॉलेज का फर्स्ट जितना मेरे को याद है यहाँ सामने अकेडमिक ब्लॉक में कमाल सर से मेरा पहली बार मतलब सर वॉज द फर्स्ट सीनियर जिनसे लाइक ऐसे फेस टू फेस बात हुई थी मेरे को तो लगा था काफी ऐसे सीनियर से बात करना इंटीमिडेटिंग होता होगा बट काफी सही था सर वो कमाल सर हमेशा ही चिल रहेंगे मेरे को स्टार्टिंग में हल्का सा लग रहा था इंटीमिडेटिंग अब मैं थोड़ा कंफर्टेबली ब्लॉक कर सकता हूँ सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इंटरैक्ट ब्लॉक के सामने ये इंटरैक्ट ब्लॉक है चले अंदर देखते हैं तो ऑडिटोरियम यहाँ पे है उसका फुटेज में डाल दूंगा ऑडिटोरियम का फुटेज में डाल दूंगा एंड आप लोग को भी लेक्चर थिएटर दिखाते हैं सो दैट वॉज इंटरैक्ट ब्लॉक एंड अभी हम लोग जाएंगे अकेडमिक ब्लॉक में जहाँ पे रीडिंग रूम लाइब्रेरी एंड जितना भी एडमिशन का काम था वो सारा वहाँ पे हुआ था जो मेरी कॉलेज की फर्स्ट डे की फोटो थी वो थंबनेल में होती है मुझे पता है ओके वहाँ पे खड़े होते हाँ कॉलेज का फर्स्ट डे था एंड लाइक आई वॉज ओनली वन जो व्हाइट कोट पहन के आया था 124 बच्चों में से और वो ही उनको एक याद रहेगा हमेशा कि वो जो फर्स्ट फोटो थी तो यहाँ सामने अकेडमिक ब्लॉक है चलते हैं अंदर है ना गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम आ जाता था कैमरे में आता शर्मा ने ली बात किया है इतना कम डाली है मेरी फुटेज तो इतना क्यूट पिकाचु लग रहा है आज तभी कह रहा मेरी फुटेज कम डाली हो एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए पिकाचु ओपी बेटा ये तो नहीं जाना चाहिए
जाएगा तो सब कुछ, जाएगा तो सब कुछ। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस ठोक दूंगा बेटे। लगाओ 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 कॉपीराइट लगाओ। सो एक्चुअली अभी हम लोग अकेडमिक ब्लॉक में हैं, यहाँ पे एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे काफी ग्रीनरी है, नीचे सीनियर्स पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी नीचे ही है। लाइब्रेरी लाइक डेफिनेटली बहुत ही एक सुंदर लाइब्रेरी जिसको मैं कहूँगा, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छी। सो थोड़ा सा अगर कॉलेज की फीस की बात करें तो रफली जो फीस इज अराउंड 1 लाख रुपीज पर एनम, ये ट्यूशन फीस है। और थोड़ा अगर फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज में हमारे पास कॉलेज में हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में जो भी दिखाएंगे अभी, बॉयज हॉस्टल में एक बैडमिंटन कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट कह लो। इसके बाद रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में एक पार्क है काफी बड़ा, एक प्लेग्राउंड था जहाँ बिल्डिंग बन रही है अभी, उसको मैं काउंट नहीं करूंगा फैसिलिटीज में। जो बाकी कॉलेजेस हैं जब जिस टाइम पर वो बन रहे थे तो काफी ज्यादा लैंड अवेलेबल थी, हमारे कॉलेज को उतनी लैंड नहीं मिली, अभी 5 साल पहले खुला है तो। बट अगर हम बात करें अकेडमिक्स की तो अकेडमिक्स कॉलेज के लाइक काफी अमेजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज इज लाइक वेरी गुड। जब स्टार्टिंग में आते तो हमको हल्का सा लगता है कि यार, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपने कॉलेज को और कॉलेजेस से, अब लाइक आफ्टर 1 ईयर लगता ही नहीं है कि उसको उससे कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉलेज आर्ट्स के बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ये बात फैक्ट है। 8 to 4 का कॉलेज है, उसके बाद अपने रूम पे जाओगे, पढ़ाई करोगे, आप टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर आप वीकेंड्स पे कहीं हैंग आउट करने जाओगे भी तो ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत सारी जगह है, तो या तो एक्चुअली यहाँ आगे जाकर थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये एक्चुअली हम अभी डी ब्लॉक में आ चुके हैं। सो यहाँ अभी बंद हो चुका है बट कैंटीन खुली हुई है, चिल करना ब्रो, आवाज आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। सो अभी एक्चुअली काफी अंधेरा है तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा जो, ओ वाओ रोशनी ही रोशनी अब करे भैया भैया वो भी सामने दो लाइट। थोड़ा सा कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो ऑनेस्टली अभी NIRF पे रैंकिंग शो नहीं हो रही है कॉलेज की, क्योंकि अभी तक अभी कॉलेज का लाइक पहला बैच अभी ग्रेजुएट होगा, उसके बाद रैंकिंग शो होगी एंड होपफुली काफी अच्छी रैंकिंग कॉलेज अटेंड कर लेगा पहली बार में, क्योंकि अकेडमिक रिजल्ट्स कॉलेज के लाइक क्लास है बिल्कुल। अगर हम IPO यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली की बात करें तो एक मेजोरिटी ऑफ द टॉप स्कोरर्स हमारे कॉलेज से ही होते हैं, हम लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम लाइक कैंटीन में ही स्पेंड करते हैं अगर हम देखें तो। हाँ, एक क्लास के बाद, क्लास के पहले, क्लास के बीच में खाना वहाँ। एक्चुअली भाई पता ये एरिया है कि आप अगर आप अपने अपनी माशों का साथ आगे टाइम स्पेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी माशों का है नहीं तो बन जाएगी, 5 साल है कॉलेज में, आपकी बनी है ठीक। दर्द तो कहीं तो दर्द हुआ होगा, दिल के किसी कोने में हल्का सा दर्द तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा बेटे, भाग गया मेरे आपकी है भाई। देख, किड्स गेट इनटू रिलेशनशिप्स, रियल मैन गेट इनटू ब्लॉगिंग। बेसिकली ये कॉलेज की कैंटीन थी जो लाइक डी ब्लॉक का जस्ट पीछे ही है। देख लिया। तो अभी तक हमने पिछली बार किसी और को रूम दिखाया था, एक्चुअली मैंने और अर्णव ने साथ में ही हॉस्टल में रूम लिया हुआ है बट हाँ, तो ये रूम है, रूम का साइज काफी बड़ा है कंपैरेटिवली अगर हम और हॉस्टल के रूम से कंपेयर करें। एंड यहाँ पर किचन एरिया है, वॉशरूम दिखाने लायक नहीं है, वॉशरूम गंदा है काफी, अभी साफ है पर दिखता गंदा है। तो होपफुली अगर कभी ये रूम सेटअप करते हैं तो हॉस्टल रूम टूर, जो मेरा बनाने का मन नहीं है बट लोग पता नहीं क्यों बहुत देखते हैं हॉस्टल रूम टूर सबको चाहिए होता है, तो कभी अगर रूम को अगर अच्छे से सेटअप वेटअप करेंगे तो उसका भी एक रूम टूर बना देंगे फटाफट से। यहाँ पे पीछे एक बेड है, दूसरे बेड की जगह गत्ते लगे हुए हैं, बड़ा लग रहा है भाई रूम। क्योंकि फर्नीचर नहीं तो रूम काफी बड़ा लग रहा है, थर्ड राउंड की थी कट ऑफ जो गई थी अराउंड 12,000 तक तो अगर आपकी रैंक्स इस रेंज में है ऑल इंडिया एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली तो वेलकम टू बीएसए गाइस। इससे पहले हमने कॉलेज में शूट किया था
अ डे इन लाइफ ऑफ मेरे को, उसके ऊपर मैं कहाँ पे लिंक अपर अपोजिट साइड होता है ना, अपर राइट में, अपर राइट में, हाँ मतलब यहाँ कहीं ऐसे लिंक हो जाएगा तो वो देख लेना ना, ठीक है। साथ साथ तो फोन नहीं होता, थोड़ा सा अपने विश्राम कक्ष में थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। इसको इस हॉस्टल के रूम को कुछ नाम देते हैं अपने रूम को, आज से इसको हम बोलेंगे विश्राम कक्ष। और तो हाँ, अर्णव का मैं अभी इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो बस जाके फॉलो कर लो और उसकी लेटेस्ट पोस्ट पर कमेंट कर दो दैट कि आप ब्लॉग देख के आए हो, मालूम पड़ना चाहिए हमारे सब्सक्राइबर्स हर जगह फैले हुए हैं। तो हाँ यार, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, एंड मुझे पता नहीं है ब्लॉग कैसा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, बट अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थोड़ा अभी यार एग्जाम्स आने वाले हैं तो शायद उसके थोड़े से ब्लॉग्स लो एनर्जी वाले ही हो, बट एग्जाम्स के बाद होपफुली फिर से कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे, सेकंड ईयर में काफी कुछ प्लान कर रखा है। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय। तो सॉरी, एक्चुअली बोनस फुटेज, तो अब एक स्टोरी, जो आगरा में हमारा घर था वहां पर हम लोगों ने 4 डॉग्स पाल रखे थे, अब अभी भी 3 पाल रखे हैं, बट हमको एक्चुअली पेट्स का बहुत शौक था। तो जब दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मेरे को वो हल्की सी एक यू नो कमी फील हो रही थी, बट नाउ आई हैव मेड अ न्यू फ्रेंड। बुरी अच्छा, हाय। सो अभी कुछ टाइम से मैंने बुरी का ख्याल रखना स्टार्ट किया है एंड अब धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो गई है, एंड आई होप ये चीज आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगी एंड अब बुरी ब्लॉग में आती रहेगी। तो मैंने सोचा कि जस्ट यू नो एक हल्का सा हाय हाउ इज इट गोइंग करा दूं आप लोग का। सो गाइस से हाय टू बुरी, बुरी से हाय, चलो मिलते हैं, बाय बाय।